हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। मैं यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस लेके आया हूं और आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूं वह है 28 अक्टूबर 2018 को हुए UK SSSC एग्ज़ाम के बारे में। मैं आपको इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने यह पेपर दिया है, कितने लोग इसमें एब्सेंट रहे और इसके कितने सेंटर थे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले UK SSSC द्वारा विभिन्न विभागों में समूह ग श्रेणी के रिक्त पदों पर जो कि 180 पद थे उन पर रविवार 28 अक्टूबर 2018 को एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें आयोग ने प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी जारी कर दी है और सभी सेटों के लिए उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्नों और उनके उत्तर पर किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो वे 4 नवंबर 2018 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, कुल 77,729 अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को भरा था, जिसमें से 50,915 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और 26,814 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। अब मैं आपको बता दूं कि आयोग ने परीक्षा में पारदर्शिता के लिए OMR की 3 प्रतियां बनाई थी, जिसमें मूल OMR से रिजल्ट तैयार किया जाएगा और दूसरी प्रति को रिकॉर्ड के लिए कोषागार में जमा कर दिया जाता है और तीसरी प्रति को अभ्यर्थी अपने साथ वापस ले जा सकते हैं। इसमें आयोग की वेबसाइट के अनुसार 67,158 अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, लेकिन आज 28 अक्टूबर 2018 को 50,915 परीक्षार्थी ही परीक्षा देने पहुँचे। आयोग के अनुसार कुल 177 केंद्रों में 102 केंद्र गढ़वाल में और 69 केंद्र कुमाऊं मंडल में बनाए गए थे। गढ़वाल मंडल के 102 केंद्रों में 30,773 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और कुमाऊं मंडल के 69 केंद्रों में 20,142 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए। UK SSSC ने समायोजन के आधार पर 5 विज्ञप्तियों के कुल 12 पद कोडों की एक साथ लिखित परीक्षा आयोजित कराई थी, जिसमें कनिष्ठ सहायक, आंसुलिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, संग्रह अमीन, कंप्यूटर ऑपरेटर के 180 पद शामिल हैं। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आपका यह पेपर कैसा गया और इसकी कट ऑफ कितने रहने की उम्मीद है, आप यह मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।